यहाँ आ चुकी है हमारे पास हमारी कार, हमारा गेम हो चुका है मॉड। सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि GTA 5 को आपको मॉड कैसे करना है। तो मॉड करने से पहले आपको सबसे पहले गेम का बैकअप बनाना पड़ेगा। तो बैकअप बनाने के लिए आप सबसे पहले आपको जाना है दिस PC में। उसके बाद आपको आपकी गेम की फाइल लोकेशन खोलनी है जहाँ पे आपने आपका गेम इंस्टॉल कर रखा है। तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपना पूरा का पूरा गेम यहाँ पे डाल रखा है। तो अब आपको बैकअप बनाने के लिए क्या करना होता है कि आपको ये जो सारी फाइल है, आपको A से लेके W तक की फाइल है, इन सबको आपको छोड़ देना है। बाकी की जो ऊपर की जो फाइल है, यहाँ से आपको इन सबको कर लेना है सिलेक्ट, यहाँ तक कि आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल बटन। उसके बाद आपको अपडेट और X64 और एक कमांडो .rpf ये वाली फाइल आपको छोड़ देनी है, और बाकी की फाइल आपको कर लेनी है आपको कॉपी। उसके बाद आपको जाना है कहीं दूसरी जगह पे जहाँ पे आपकी स्पेस हो। उसके बाद आपको, जैसे मैं लोकल डिस्क में जा रहा हूँ, यहाँ पे तो स्टोरेज नहीं है, तो यहाँ पे अब मैं आपको इस पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। और नया फोल्डर बनाने के बाद मैं इस गेम को नाम दे देता हूँ GTA 5 बैकअप। तो गाइस, GTA 5 बैकअप, इसको नाम देने के बाद इसको क्या होगा कि अगर आपको बाय चांस अगर आपका गेम करप्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको इसको सबसे पहले तो पेस्ट कर लेना है। उसके बाद बाय चांस अगर क्या होगा कि अगर आपका गेम कभी करप्ट हो जाता है या फिर आपको सारे मोड अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको यहाँ से इसको सारे की सारी जो ये वाली फाइल्स हैं, इन सबको आपको डिलीट करके और वो वाली फाइल्स यहाँ पर डाल देनी, तो आपका गेम वापस से सही से रन होने लग जाएगा। तो आप क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है क्रोम पे, ठीक है। तो क्रोम पे जाने के बाद आपको सबसे पहले सर्च करना है GTA 5 मोड्स। GTA 5 मोड्स आपको यहाँ पे लिखने के बाद जो फर्स्ट वाली लिंक पे आपको टैप करना है। तो आप यहाँ पे जैसे ही टैप करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में एक सर्च का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको लिखना है स्क्रिप्ट हुक वी। मैं आपको स्क्रीन पे भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख के लिख लेना, यहाँ पे छोटा आ रहा होगा। तो आपको स्क्रिप्ट हुक वी लिख लेना है और यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करके सर्च कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने एक फाइल आ रही होगी स्क्रिप्ट हुक वी प्लस नेटिव ट्रेनर, तो इसी वाली पे आपको क्लिक करना है। तो आप क्लिक करोगे तो आपके आपके सामने एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये बनाया है एलेक्जेंडर ब्लेड ने, तो शाउट आउट टू यू। और उसके बाद आपको कर लेना है डाउनलोड। तो डाउनलोड के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपके आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोड होगा। ये थोड़ा सा कभी कभी होता भी, ये लोड नहीं हुआ तो आपको कट करके वापस से कर लेना है। उसके बाद आपको जहाँ भी इसको सेव करना है आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट वाली फाइल हो चुकी है डाउनलोड। अब उसके बाद आपको यहाँ पे आके उसको वापस से बैक करना है। बैक करने के बाद आपको कम्युनिटी स्क्रिप्ट हुक वी इस वाली .net वाली पे आपको क्लिक करना है। आपको फिर ये वाली डाउनलोड करनी है। यहाँ पे आप आओगे तो आपको डाउनलोड का बटन दिख जाएगा। ये बनाइए क्रोसायर एंड कंट्रीब्यूटर्स ने, तो शाउट आउट टू यू बोथ ऑफ देम। और उसके बाद आपको कर देना है डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा लोड होगा। फिर उसके बाद आपके सामने स्क्रिप्ट हुक वी .net वर्जन 3.4.0 आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट हुक वी .net.zip, आप इसको या फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो जहाँ पे आप डाउनलोड करना है वहाँ पे इसको कर लो। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद हमें एक फाइल और डाउनलोड करनी है, तो हम वापस इसको कर देंगे कट। और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट हम इसमें सर्च कर लेंगे मेन्यू MENYOO। मेन्यू आपको सर्च करने के बाद आप यहाँ पे कर लेना है आपको सर्च। ये हमारा ट्रेनर है जिससे हम सारी चीज़ें लोड करेंगे गेम में। उसके बाद आपको इसको भी उसी प्रोसेस से आपको कर लेना है डाउनलोड। तो आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इस वीडियो में पता नहीं कुछ ग्लिच वगैरह हो गया, तो थोड़ी सी लैग हो रही है। तो आपको मेन्यू PC के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा डाउनलोड लेटेस्ट रिलीज। तो आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास मेन्यू ASP.zip वाली फाइल आपको मिल जाएगी। तो आपको इसको कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद ये थोड़ा सा आपको टाइम ले सकता है, ये आपके इंटरनेट के मतलब डिपेंड करता है स्पीड पे। तो आपको उसके बाद डाउनलोड करके जाना है दिस PC में। अब जैसे मैंने ये वाली फाइल डाउनलोड में GTA 5 वाले मोड्स का एक फोल्डर मैंने बना रखा है, उसमें ये बना रखी है। तो सबसे पहले आपको मेन्यू SP वाली जो फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और आप एक्सट्रैक्ट कर लेना इसको, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ चार फाइल आएंगी, जिसमें से एक रीडमी जो TXT वगैरह वाली फाइल रहती है, तो इसको हम देख लेंगे, ओपन करके देख लेंगे।
तो उसके बाद आपको इसको ड्रैग करके इधर साइड कर लेना है। उसके बाद आपको आपकी गेम की डायरेक्टरी खोलनी है, ठीक है। तो गेम की डायरेक्टरी मतलब जहाँ पे आपने गेम इंस्टॉल कर रखा है गेम की वो मेन फाइल, तो मैंने इसको यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है कि menu.asi वाली फाइल पे आपको क्लिक करना है और इसको सीधे गेम की डायरेक्टरी में पेस्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको मेन्यू स्टब वाली फाइल पे क्लिक करना है और इसको भी आपको गेम की डायरेक्टरी में पेस्ट कर लेना है। ये गलती से मैंने ट्रेनर्स वाले उसमें फोल्डर में पेस्ट कर दी, तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो आपको बाहर ही पेस्ट करनी है उसको। उसके बाद आपको इसको कर देना है वापस से मिनिमाइज़। उसके बाद आपको जो आपकी जो स्क्रिप्ट हुक v1. ये वाली जो फाइल है, इस वाली फाइल को आपको करना है एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद इसको भी यहाँ से कर लेना है एक्सट्रैक्ट। उसके बाद आपके सामने इसमें भी आपको तीन फाइल्स वगैरह मिलेंगी, तो आपको ये देख सकते हैं आप, इसमें भी तीन फाइल है। तो readme.txt पेवन खोलेंगे, तो छोड़ो यहाँ पे तो पता नहीं इनने क्या क्या लिख रखा है स्क्रिप्ट हुक भी, छोड़ो इसे फलाना ढिकाना इंस्टॉलेशन वगैरह इसने बता रखा है, तो चलो ये तो अपन डायरेक्ट ही इंस्टॉल कर लेंगे। तुम्हारा भाई है तो सही बताएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। तो चलो फटाफट से अपन देखते हैं इसको करते हैं मिनिमाइज। उसके बाद बिन वाली फाइल को खोलते हैं और ये वाली फाइल को इसको पहले की तरह इसको ड्रैग करके साइड करते हैं। साइड करने के बाद अपन खोलेंगे GTA 5 गेम की डायरेक्टरी और अपन तीन ही फाइल को आपको करना है कॉपी, और यहाँ से कॉपी करके इनको ड्रैग करके इधर डाल देना और यहाँ पे कर देना है आपको पेस्ट, ठीक है। तो इधर से आपकी फाइल हटके सारी इधर जाएगी, आप देख सकते हैं आपकी तीनों फाइल यहाँ पे डल चुकी है। तीनों फाइल डलने के बाद आपको क्या करना है, वापस से इस वाले को आपको कर देना है मिनिमाइज़। मिनिमाइज़ करने के बाद आपको ये वाला करना है बड़ा, और इसके बाद आपको वापस से आपका जो थर्ड वाला जो स्क्रिप्ट हुक v.net.zip इस वाले आपको इसको करना है वापस से एक्सट्रैक्ट ऑल। एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद ऐसा इंटरफेस, उसके बाद आपको करना है एक्सट्रैक्ट। उसके बाद आपके सामने कुछ ज़्यादा ही फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये वाली आपको क्या करनी है, आपको वापस से गेम की डायरेक्टरी खोलनी है। उसके बाद आपको कंट्रोल पे क्लिक करना है, आपको स्क्रिप्ट हुक v.net.asi और .dll वाली जो दोनों फाइल है, इन तीनों फाइल को आपको कंट्रोल करके इनके क्लिक करके आपको इधर उठा के इनको ड्रैग कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो सिंपली आपका जो GTA 5 वो मोड हो चुका है। तो आप चलते हैं फटाफट से हम गेम के अंदर, और गेम के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मोड को ओपन करना है, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट, मिलते हैं अपन गेम में। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं गेम में और ये हमारे माइकल साहब खड़े हैं, तो भाई बाहर चलो यार, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो। तो देख सकते हो आप कि मेरा PC थोड़ा सा स्लो है, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा लेग आपको देखने को मिल सकता है। हेलो बेटे, जिमी आ गया। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका मेन्यू ट्रेनर ओपन करने के लिए आपको दो बार F8 पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको ऐसा दिखेगा मेन्यू PC बाय माफिन्स। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, मेन्यू ट्रेनर बहुत बड़ा बड़ा है, इससे मूवीज़ वगैरह भी बनती है। तो फिलहाल तो सिर्फ मैं आपको व्हीकल ऑप्शंस में जाके बताऊंगा। व्हीकल ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको मॉडिफाई वगैरह भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल तो हम देख सकते हो, फिलहाल तो हम जाएंगे सिर्फ व्हीकल स्पॉनर में। व्हीकल स्पॉनर में जाने के बाद आप इस पर क्लिक करोगे तो हम कोई सी सुपर कार लेंगे भाई। तो सुपर कार पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपकी जितनी भी गेम के अंदर सुपर कार्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको आपका मेन्यू ट्रेनर कंट्रोल करना है इन सारी कीज से। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लैम्बोर्गिनी वगैरह या फिर दूसरी कोई सी कार हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। With the news.